नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति त्यागी। खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बजट सत्र के दूसरे राउंड में आज संसद में के दोनों सदनों की शुरुआत ही बहुत हंगामेदार रही। नीरव मोदी फ्रॉड, त्रिपुरा हिंसा और दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। वही हंगामे के बाद दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने गतिरोध खत्म करने के लिए सभी दलों के नेताओं को अपने चैंबर में मिलने का सुझाव दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने के एक और फैसले ने वहां के स्टूडेंट को नाराज कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेस संबंधी कई चार्ज बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन की वजह से वहां के छात्र नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार कई चार्ज में 100% से लेकर 1900% तक की बढ़ोतरी की गई है। वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक जहाज के वियतनाम पहुंचने से पूरी दुनिया चौंक गई है। इससे चीन और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर तल्खियां देखने को मिल सकती है। वहीं इस यात्रा को दो पूर्व दुश्मन राष्ट्रों के बीच उभरती दोस्ती को और गहरा करने का सुनहरा अवसर माना जा रहा है। वियतनाम के डानैंग शहर में यूएसएस कार्ल विंसन अपने 5500 जल सैनिक, दो अन्य जहाज के साथ 5 दिनों के दौरे के लिए पहुंचा है। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंचे। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी तीर चले। इनेलो विधायकों ने सदन में हंगामा किया और काम रोको प्रस्ताव। विधायक बल कौर सिंह ने परिवहन मंत्री से रियायती टिकट और बस पास की नीति पर सवाल किया। साथ ही कांग्रेस विधायक करण दलाल ने मामले में एसवाईएल दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राजीव लोगोवाल समझौते को मान लिया होता तो अब तक एसवाईएल का निर्माण हो जाता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद भी हरियाणा को हक नहीं दिला पा रही है। सरकार की ओर से उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने पक्षकाल के दौरान सवाल का जवाब देते हुए सदन को दी जानकारी। उन्होंने कहा सरकार ने निवेश के अलावा 3 लाख नौकरियां भी दी हैं। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई से पहले कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पकौड़े बेचे। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने बेरोजगारी पर सवाल का घेराव किया। वहीं कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने प्रदेश में लोगों की हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार ने जिन मुद्दों पर जनता का समर्थन हासिल किया था सरकार उन मुद्दों को भूल चुकी है। विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही में पहले जमकर पकौड़ा पॉलिटिक्स हुई। रोजगार के मुद्दे पर विरोध जताते हुए पकौड़े बेच रहे कांग्रेस के विधायकों ने से सीएम खट्टर ने पकौड़े खरीदे। सीएम खट्टर को पकौड़े बेचते हुए विपक्ष के नेताओं ने युवाओं को रोजगार देने की मांग की। वहीं पकौड़ा पॉलिटिक्स का जवाब देते हुए सीएम ने कांग्रेस विधायकों से पकौड़े खरीदे। इस दौरान हरियाणा न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है। विधानसभा के बजट सत्र में सिर्फ विपक्ष ही सरकार के लिए चुनौतियां पेश नहीं कर रहा बल्कि आंगनवाड़ी वर्कर्स भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। उधर आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर सरकार पर विपक्ष का हमला लगातार जारी है। मामले पर विपक्ष सदन में काम रोको प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं अपनी मांगों को लेकर कई किसान और कर्मचारी यूनियनों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है जिसके लिए भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले कई किसान पंचकुला से चंडीगढ़ कूच करने की तैयारी में है। इसके साथ ही विद्युत अनुबंधित कर्मचारी संघ भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। हरियाणा की 2018 एक्साइज पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। चंडीगढ़ में आबकारी विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा की 2018 एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए संजीव कौशल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में के अंदर शराब का ठेका न होने का आदेश दिया था जिसके बाद ज्यादातर प्रदेशों के राजस्व में कमी आई लेकिन हमारे राजस्व में 13% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही संजीव कौशल ने बताया कि 2017 में प्रदेश के 3491 ठेके थे लेकिन इसे कम करते हुए सिर्फ 2323 कर दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। वहीं बार लाइसेंस की फीस को भी
वहीं रखा गया है। अब हर बिक्री की रसीद देनी होगी तो साथ ही ठेकेदारों के आधार कार्ड भी लिए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होने वाली हैं। छात्र नकल ना कर सके और परीक्षाएं बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए, इसके लिए भी तैयारियां जोरों पर है। बोर्ड ने 1755 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और 312 उड़न दस्तों का गठन किया है। सभी उड़न दस्तों में एक महिला सदस्य भी शामिल है। वहीं बोर्ड अधिकारियों की माने तो 10वीं के 383,499 परीक्षार्थी और 12वीं के 286,462 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए 22,815 सुपरवाइजर और 1755 केंद्र अधीक्षकों की नियुक्ति की गई है। जींद बस न रोकने के से नाराज 3 युवकों ने बस पर ही पथराव कर दिया। इस पथराव में एक यात्री को सामान्य चोट आई। दरअसल हरिद्वार से गंगानगर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस में 3 युवक पानीपत से जींद के लिए सवार हो गए। जींद पहुंचने पर जब तीनों युवकों ने बस रोकने के लिए कहा, लेकिन बस चालक ने बताई जगह पर नहीं रुकी, जिस वजह से युवक ने बस पर पथराव किया। वहीं बस पर में बैठी सवारियों ने उसको पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। रोहतक जिले में दतौड़ गांव के पास खेतों में देर शाम एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया। व्यक्ति की शिनाख्त गीठे गांव के रहने वाले ओमपाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शव के साथ साथ सल्फास की गोलियां भी बरामद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस उसे आत्महत्या का मामला मान रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। प्रदेश में बच्चे और महिलाओं के साथ अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के थाना सेक्टर 55 इलाके से सामने आया है, जहां एक 13 साल की नाबालिग के साथ उसी के पड़ोसी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। वही बच्चे ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दे दी है, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने उसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। एक बार फिर फरीदाबाद में गुंडागर्दी देखने को मिली। मामला इंदिरा नगर के पास नेशनल हाईवे नंबर 2 पर लगे सीएनजी पंप का है, जहां कुछ लोगों की पंप के कर्मचारियों से कहासुनी हो गई। मामला यही नहीं रुका, कहासुनी से बढ़ते बढ़ते मामले ने तोड़फोड़ का रूप ले लिया। आपको बता दें कि कार सवार कुछ लोगों ने पंप पर रखे सामान के साथ तोड़फोड़ की। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तोड़फोड़ करके ने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। करनाल में हुए भयंकर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा NH1 में शामगढ़ गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर के बाद आग लगने से हुआ। कार में दिल्ली के हरिनगर इलाके में रहने वाले संचित चोपड़ा का परिवार सवार था। वो अमृतसर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। कार में उनके साथ उनकी पत्नी भावना चोपड़ा के अलावा और लोग भी थे। वही हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद कार की टंकी फट गई और उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। सोना के बादशाहपुर इलाके में कुशाल शाह मंदिर में अष्टधातु की मूर्तियां एक बार फिर चोरी हो गई हैं। ये तीसरी घटना है जब मंदिर से मूर्तियां चोरी हुई है। मंदिर के पुजारी की माने तो पूजा करने के बाद वो अपने कमरे में सो गया, जिसके बाद बदमाशों ने मंदिर में रखी अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर ली। चोरी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है और मामले में कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोग सड़क पर भी उतरने की बात कर रहे हैं। यह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब रुख खबर एक्सप्रेस का। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एटीएम लुटेरों ने प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश देने होने के बावजूद पुलिस एटीएम लूट की घटनाओं को रोकने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। आलम यह है कि गुरुग्राम में बीते 3 दिन में गुरुग्राम में 3 एटीएम मशीनें लूटी जा चुकी है।
वहीं ऐसा ही मामला इस्लामपुर इलाके का है, जहां बेखौफ लुटेरों ने एटीएम मशीन को लूट कर चले गए। एटीएम लूट की वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस भर ही है। किसी वारदात से संबंधित ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है और ना ही दूसरा सुराग। पुलिस ने बेखौफ लुटेरे पूरी एटीएम मशीन ही उखाड़ ले जा रहे हैं। वहीं इस बार चोरी करने में नाकाम रहे हैं। ऐसा मामला फतेहाबाद का है, जहां नेशनल हाईवे पर चोरों ने एक मोबाइल शोरूम को अपना निशाना बनाया था, लेकिन मौके पर एक राहगीर के आ जाने से चोर डर कर भाग खड़े हुए मोबाइल शोरूम को नुकसान होने से बचा लिया गया। सीसीटीवी में चोरी की सारी वारदात कैद हो चुकी है। सीसीटीवी के आधार पर चार चोर गाड़ी में सवार होकर आए थे। वहीं झज्जर की बेटी मनु भाकर ने एक बार फिर से देश का मान बढ़ाया है। मनु भाकर ने मेक्सिको के रिज्वी सिटी में चल रही आईएसएसएफ शूटिंग पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। ये गोल्ड उन्होंने 10 मीटर एयर शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में जीता है। मनु के इस गोल्ड से उन्होंने 2018 में ब्राजील में होने वाले यूथ ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब मनु 2018 में होने वाले यूथ ओलंपिक में भी देश के लिए खेलेगी। वहीं मनु की जीत के बाद उनके पूरे गांव में जश्न मनाया गया। एशियाई और अमेरिकी बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई है। कारोबार की शुरुआत में आज सेंसेक्स 300.65 अंक यानी 0.89% बढ़कर 34,047.43 पर और निफ्टी 61.65 अंक यानी 0.60% चढ़कर 10,420.50 पर खुला। साउथ अफ्रीका के सफल दौरे के बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया टी20 ट्राई सीरीज के पहले मैच में मेजबान श्रीलंका का सामना करेगी। निदास ट्रॉफी नामक इस ट्राई सीरीज में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं बीसीसीआई ने टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली, दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह, स्पिनर कुलदीप यादव और खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को इस सीरीज के लिए आराम देकर नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम ने वॉशिंगटन सुंदर, विजय शंकर, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा और मोहम्मद सिराज जैसे युवा खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इन खिलाड़ियों पर इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके खुद को साबित करने का दबाव रहेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 मैचों की सीरीज में शानदार शुरुआत करते हुए साउथ कोरिया को पहले मुकाबले में 1-0 से हरा दिया। साउथ कोरिया की राजधानी सोल में खेले गए मैच में भारत ने 5वें मिनट में किए गए गोल की बदौलत बढ़त बनाई और फिर शानदार डिफेंस करते हुए इसे कायम रखकर जीत दर्ज की। बॉलीवुड अधिकारा श्रीदेवी ने 24 फरवरी को दुनिया को अलविदा कह दिया था और आज लगभग 10 दिन बाद उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर अपना 21वां जन्मदिन मना रही है। ऐसे में उनकी बहन सोनम कपूर ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर जानवी की एक खूबसूरत सी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सबसे बहादुर लड़की जिसे मैं जानती हूँ वो लेडी बन गई है। जन्मदिन की बधाइयां जानू। शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा स्टारर जीरो का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। लंबे समय बाद जब तक है जान की तिगड़ी बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। कैटरीना इस फिल्म में शाहरुख के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। एक्टर इरफान खान ने एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाने की खबर दी है। बता दें कि इरफान खान कई दिनों से काम से दूर रह रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जॉन्डिस होने की खबर आई थी, लेकिन अब अपने ट्विटर हैंडल पर खुद अपनी बीमारी के बारे में कहा है कि इरफान के इस ट्विटर के बाद से ही उनके फैंस काफी चिंतित हैं और उनके स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की कामना कर रहे हैं। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।